हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। कर मैं हूं योगेश चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आज यूथ आरजेडी की बैठक हुई है। इस बैठक को बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने संबोधित किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं विश्वनाथ यादव से। विश्वनाथ जी जहानाबाद से हैं और आरजेडी के बहुत ही बड़े हितैषी हैं। विश्वनाथ जी, राज नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। ये बताइए कि आज जो बैठक थी, आप लोग क्या कुछ मंथन किए? मंथन कुछ नहीं है, सीधा सीधी बात है कि चुनाव के बाद युवा राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यक्रम था। तैयारी नए सदस्यों को बनाने की है, पुराने सदस्यों को मनोबल को बढ़ाने की है। ये पूरा कार्यक्रम जो है आने वाले वक्त में, आने वाला जो चुनाव है उसकी तैयारी के लिए एक समीक्षात्मक बैठक थी और तमाम कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए माननीय तेजस्वी यादव ने आज हुंकार भरा है, सबका पीठ थपथपाया है, सबकी बातों को सुना है, सबके तकलीफ़ों को समझा है और उसका निदान करने का आश्वासन उन्होंने दिया है। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव के आज के संबोधन के बाद आरजेडी के जो यूथ हैं सदस्य, उनमें उत्साह और नए ऊर्जा का संचार होगा? बिल्कुल होगा। तेजस्वी यादव ने बहुत ही कड़े शब्दों में ये बात कह दिया है कि आप लोग सब अपने कर्तव्यों पे कायम रहें, आप अपना कार्य करते रहें और जहां खामियां हो रही हैं और जिन वजहों से हो रही हैं उन सब को देखने की जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं अपने कंधों पे ले लिया है और बड़े ही कड़े शब्दों में ये बात कहा है कि वो उस पर कार्रवाई करेंगे। जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में आरजेडी को करारी हार का सामना करना पड़ा, खुद आपके पिताजी सुरेंद्र यादव जी जहानाबाद से चुनाव हार गए, जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता कि वो चुनाव हार जाएंगे, तो उसके बाद जिस तरह से पार्टी एक तरह से निराशा के माहौल में चल गई, क्या आपको लगता है कि अब पार्टी धीरे धीरे करके उभर जाएगी? बिल्कुल जाएगी, हमेशा हार के आगे ही तो जीत होती है। और रह गई बात हमारे पिता की ही नहीं, तमाम बिहार में राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन के तमाम लोग जो चुनाव लड़ रहे थे, हम आपको समझा दें कि हम लोग चुनाव हारे नहीं, हरा दिए गए हैं। और जब चुनाव हरा दिए गए हों तो हम लोग ने ये बहुत अच्छे से जानकारी है कि किन कारणों से हम लोग चुनाव हारे हैं, उसकी समीक्षा हम लोग लगातार करते रहते हैं। और इसी संदर्भ में हम लोग ने माननीय न्यायालय में हम लोग अग्रसर हुए और हम लोग को अपने न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है, विश्वास। जैसे हम सुन रहे थे आप भाषण में कह रहे थे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो क्या ये कोशिश विधानसभा चुनाव में रंग लाएगी? बिल्कुल रंग लाएगी। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने हुंकार को पिछले चुनाव में भी, 2015 के चुनाव में भी एहसास कराया। अगर इस बार ईवीएम का खेला नहीं होता तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल की ताकत दिल्ली के पार्लियामेंट में गूंज रही होती। बहुत बड़ा सवाल ये है विश्वनाथ जी, आप करीबी हैं तेजस्वी यादव के भी करीबी हैं, आपके पिताजी लालू जी के बहुत करीबी रहे हैं। कहा जाता है कि पिछले 3 महीने से जिस तरह से तेजस्वी यादव मतलब एकदम गायब रहे, नेपथ्य में चले गए, इससे पार्टी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है, क्या इसकी भरपाई हो पाएगी? तेजस्वी यादव के गायब रहने की जो बात है ये तो अफवाह। अगर शेर 2 कदम पीछे हटाता है तो ये ऐसा नहीं है कि वो डर गया, वो और लंबी छलांग लगा सके, ये उसकी तैयारी है। 3 महीने अगर वो गुप्तावास में रहे हैं तो वो कहीं नहीं रहे, वो चुप रहे हैं, मौन रहे हैं, मंथन किया है, उन्होंने सारी चीज़ों को समझा है और आगामी चुनाव में जो हमारी खामियां रही हैं उन खामियों को वो पूरा करें, इसकी उन्होंने तैयारी की है। राज नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। ये थे प्रदेश महासचिव और सह प्रभारी युवा राजद के विश्वनाथ यादव, जिनका कहना था कि शेर अगर 2 कदम पीछे लेता है तो इसे उसकी कमजोरी ना समझा जाए बल्कि लंबी छलांग लगाने की तैयारी में है और तेजस्वी यादव उसी तैयारी में जुटे हुए हैं। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह आपके बीच
बने रहें, निष्पक्षता के साथ डटे रहें, तो रैड नेटवर्क को हर संभव आर्थिक मदद कीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि पैसों की वजह से हम आपकी गलियों तक नहीं पहुंच पाए। आप अपनी क्षमता और इच्छा के मुताबिक हमारी मदद करें। जय हिंद। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे इस अकाउंट नंबर पे आप हमें अपनी मर्जी के मुताबिक धनराशि भेज सकते हैं। साथ ही अकाउंट से संबंधित तमाम जानकारी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, ताकि हम आप तक निष्पक्ष, स्वतंत्र और सही खबर बेबाक तरीके से पूरी स्वतंत्रता के साथ आप तक पहुंचा सके। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।